राजस्थान विधानसभा में अशोक गहलोत की सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। सीएम गहलोत बोले, आज अमित शाह को बहुत धक्का लगा होगा। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार को 57,000 करोड़ रुपए के लाभांश को मंजूरी दी। 15 अगस्त से पहले राजधानी दिल्ली समेत तमाम राज्यों में सुरक्षा के इंतजाम सख्त। असम के उदलगुड़ी जिले से बड़े पैमाने पर हथियार बरामद। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले श्रीनगर के बाहरी इलाके में आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों की मौत, एक की हालत नाजुक। कोझिकोड विमान हादसे में राहत अभियान में जुटे 22 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आए। सीएम पिनरई विजयन भी 14 दिनों के लिए क्वारंटीन हुए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों पर टिप्पणी करने के मामले में सर्वोच्च अदालत ने वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया। 20 अगस्त को सजा पर सुनवाई। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में डीयू प्रोफेसर पीके विजयन को एनआईए ने तलब किया। डीयू के तमाम शिक्षक और छात्रों ने एनआईए पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। और इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए समझौते को तुर्की ने ढोंग तो फिलिस्तीन ने धोखा करार दिया। ईरान ने भी नाराजगी जताई।